Very good morning, students, and most welcome again in online classes. As you know that we were having literature after having lots of chapter of composition and first chapter of grammar section 10 students. Okay, so we are having chapter number 3. Okay, just to finish the syllabus as fast as we can. So chapter number 3 was going on by Masti Venkatesh Iyengar in 11th class. Okay, snapshots we are having right now. CBSE chapter number 3 Ranga's marriage. Ranga ki shaadi ke baare mein baat kar rahe the. But the first two lectures were based on description basically of about poet's own views about that village. Okay, Hosahalli, the name of that village is Hosahalli, and we discussed about even some description of Ranga there. But now we are going to have about the real situation of his marriage about a girl, okay, who definitely will be of underage. So let's have Ranga's marriage, Ranga ki shaadi by Masti Venkatesh Iyengar students. Okay, so last several lines without wasting your time. Let's see it now. We are going to have some lines about Ranga. So page number 19, we were on page number 19. We were. So last several line. Ranga's marriage by Masti Venkatesh Iyengar. Page number 19. Very top. We were that afternoon. Okay, we were here that afternoon. We were discussing about the Ranga. Okay, he bent low to touch his feet. His feet meant to say narrator. Narrator yahan pe kaun hai? Shyama. May you get married soon, I said, blessing him after exchanging a few pleasantry. I left. Yahan tak humne padha tha. Okay, so up to here basically. So let's have that afternoon when I was resting. Us dopahar jab main rest kar raha tha. Ranga came to my house with a couple of oranges in his hands. Ranga मेरे घर पर आया अपने हाथ में कुछ ऑरेंज लेकर के. देन आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग, उस दोपहर जब मैं रेस्ट कर रहा था, मैं विश्राम कर रहा था. रंगा केम टू माय हाउस, रंगा मेरे घर पर आया. विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, अपने हाथ में कुछ ऑरेंज लेकर के, कुछ संतरे लेकर के. अ जनरस कंसिडरेट फेलो, एक बड़ा उदार, बड़ा ही संवेदनशील साथी था वो. जनरस का मतलब होता है उदार, कंसिडरेट का मतलब होता है संवेदनशील. अ जनरस एंड कंसिडरेट फेलो, बड़ा ही उदार और बड़ा ही संवेदनशील साथी था वो. It would be a fine nothing to have him marry. कि अच्छा होगा उसके लिए, भला हुआ कि वह शादी कर ले, विवाह कर ले, उसकी शादी हो जाए, अच्छा होगा. It would be a fine thing, अच्छी बात होगी, to have him marry, कि वह विवाह कर ले. Settle down and be of service to society. Settle down हो जाए, set हो जाए और समाज की सेवा करे. Okay, and be of service to society, और समाज के लिए सेवा करे. I thought, मैंने ऐसा सोचा कि विवाह हो जाए सोसाइटी में, वैसे उसकी शादी हो जाए, वह सेटल डाउन हो जाए और सोसाइटी के लिए सेवा करें. फॉर अ वाइल वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, और कुछ समय के लिए हमने दिस और दैट, इस चीज़ के बारे में और उस चीज़ के बारे में बात करी. देन आई केम टू, इस चीज़ का मतलब जो डिस्कशन के लिए वहाँ पर रेलिवेंट टॉपिक था, लाइक रंगाज मैरिज, हमने उससे बात करी. फॉर अ वाइल वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट, कुछ समय के लिए हमने मतलब यहाँ वहाँ की बातें करी. देन आई केम टू द पॉइंट, उसके बाद में पॉइंट पर आया. कुछ समय के लिए हमने यहाँ वहाँ की बातें करी. देन आई केम टू द पॉइंट, इसके बाद पॉइंट पे आया. मैंने कहा, रंगा अप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कि विवाह करने का तुम्हारा कब का प्लान है. कि रंगा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, कि मैरी करने का, शादी करने का तुम्हारा प्लान कब का है, मतलब तुम शादी कब करोगे. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड. उसने कहा कि मैं विवाह करने नहीं जा रहा हूँ. मैं शादी करने नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं अभी शादी नहीं करूँगा. वाई नॉट, क्यों नहीं? तो श्यामा ने पूछा, श्यामा नरेटर यहाँ पर है जो रंगा की शादी करवाएगा. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, कि मैं अभी जो है विवाह करने नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं अभी शादी का करने इच्छुक नहीं हूँ. ही सेड, कहा, वाई नॉट, श्यामा ने पूछा, वाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे राइट गर्ल जो है ढूंढने की ज़रूरत है, मतलब मुझे सही लड़की का चयन करने की पहले आवश्यकता है. आई नो एन ऑफिसर वो गॉट मैरिड, ओनली 6 मंथ एगो. मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसका विवाह अभी 6 महीने पहले हुआ था. तो उसने कहा कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसका विवाह अभी 6 महीने पहले हुआ था. ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज़ वाइफ इज़ 25. वह लगभग 30 का है, 30 साल का है, एंड हिज़ वाइफ इज़ 25, और उसकी पत्नी जो है 25 साल की है. आई एम टोल्ड, मुझे ऐसा बताया गया कि उसकी उम्र जो है 30 साल की है, और उसकी पत्नी जो है वह 25 साल की है. दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे आपस में जो लविंगली बड़े प्यार से बात करने में सक्षम होंगे. जो कपल जिसकी शादी अभी हाल ही में हुई है, जिस जैसा मुझे बताया गया, आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे आपस में जो लविंगली बड़े प्यार से बात करने में सक्षम होंगे. लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, कि चलो कहते हैं
चलो मान लो, मान भी लिया, चलो कह भी दे, चलो कह भी दे, लेट से आई मैरिड अ यंग गर्ल, अगर मैं एक यंग गर्ल से शादी कर भी लेता हूँ कि लेट से आई मैरिड अगर यंग गर्ल, कि चलो कह भी दे ये बात, ये चलो मान भी ले कि मैं एक वेरी यंग गर्ल से बहुत ही जवान लड़की शादी कर भी लूँ, शी मे टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, कि हो सकता है वह मेरे जो वर्ड्स से जो लव में कहे गए, जो प्यार भरे शब्दों को, हो सकता है वह एंगर में, गुस्से में बोले गए शब्द मान लें, कि मान के चलो मैं एक यंग गर्ल से शादी कर भी लूँ, लेट से चलो कहते हैं, चलो मान लेते हैं आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, कि मैं एक यंग गर्ल से शादी कर लेता हूँ, मान के चलो, शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, कि हो सकता है वो स्पोकन मेरे जो लव में स्पोकन जो वर्ड्स से, मतलब प्यार भरे जो मेरे शब्द बोले गए हैं, एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, कि हो सकता है वे मेरे उन शब्दों को एंगर मतलब क्रोध में बोले गए शब्दों के रूप में ले रहे, क्योंकि यंग गर्ल में कॉमन सेंस तो होता नहीं, पेशेंस भी नहीं होता, मैं बात करूंगा प्यार से, और हो सकता है वो मेरे शब्दों को, प्यार भरे शब्दों को वह क्रोध में बोले गए शब्द ले लें। रिसेंटली आ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, अभी हाल ही में एक मंडली थी जिसने बेंगलोर में जो है शकुंतला का नाटक किया था, शकुंतला नाटक का नाटक मतलब वो परफॉर्म किया था स्टेज पर, अभी हाल ही में मंडली आई थी, वो नाटक मंडली जो होती है बेसिकली, रिसेंटली हाल ही में अ ट्रूप इन बेंगलोर, बेंगलोर में हाल ही में स्टेज द प्ले, अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले, एक मंडली ने बेंगलोर में स्टेज लगाया था एक नाटक का मंचन करने के लिए, और उस नाटक का था नाम था शकुंतला, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, इसमें कोई प्रश्न नहीं है कि दुष्यंता जो है वह शकुंतला के प्यार में पड़ा था, उस नाटक में जो दिखाया गया था उस शकुंतला नाटक में, उस नाटक में जो कि मंडली ने वहाँ पर परफॉर्म किया था बेंगलोर में, इसमें कोई सवाल नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं, यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर रंगा के बीच में और श्यामा के बीच में विवाह की रेलिवेंसी को लेकर, ये विवाह रेलिवेंट कैसे नहीं है और कैसे है। ओके, सो रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, अभी हाल ही में बेंगलोर में एक ट्रूप ने एक स्टेज किया था, एक मंच लगाया था प्ले करने के लिए, और उसका नाम था शकुंतला। उसमें हुआ क्या था प्ले में, कुछ ऐसा था, देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, इस पर कोई सवाल नहीं है, इस बात पर कोई प्रश्न नहीं है, किस बात पर, देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला, कि दुष्यंता शकुंतला के प्यार में पड़ा, दुष्यंता को शकुंतला से प्यार हुआ, दुष्यंता को शकुंतला से प्यार हुआ, इफ़ शी वर यंग, अगर वह जवान थी तो, अगर वह जवान थी तो उसको उससे प्यार हुआ, इस पर सवाल नहीं है, इस पर कोई प्रश्न या क्वेश्चन मार्क नहीं है। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, जिस तरह से आज की जो ब्राइड्स दुल्हनें होती हैं, इज देयर क्या होती है, क्या ऐसी, जिस तरह से आज की दुल्हनें जो होती है क्या वो होती है ऐसी। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदासास प्ले, कि कालिदास के नाटकों के साथ क्या हुआ होता, व्हाट वुड हैपन टू कालिदास प्ले, कि कालिदास के नाटकों के साथ क्या हुआ होता, इफ वन गेट्स मैरिड, अगर किसी एक की शादी हो जाती, इफ वन गेट्स मैरिड, अगर किसी एक की शादी हो जाती, इट शुड बी टू अ गर्ल वो इज मैच्योर, इट शुड बी टू अ गर्ल वो इज मैच्योर, ये बात तो उस लड़की पर है जो मैच्योर होती है, जो परिपक्व होती है, अदरवाइज इसके अलावा वन शुड रिमेन अ बैचलर, वरना हर कोई क्या रहता, बैचलर रहता, अविवाहित रहता, दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसी वजह से मैं विवाह करने नहीं जा रहा, मैं शादी नहीं करूँगा। इसमें लिखा हुआ है कि इफ वन गेट्स मैरिड, अगर कोई शादी कर भी लेता है, विवाह उसका हो जाता है, इट शुड बी टू अ गर्ल वो इज मैच्योर, इट शुड बी टू अ गर्ल, या उस लड़की के लिए जो मैच्योर होती है, लड़की मैच्योर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, वरना कोई भी क्या रहेगा, बैचलर रहेगा, अविवाहित रहेगा, अगर शादी नहीं करोगे तो अविवाहित रहना पड़ेगा, दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसी वजह से मैं शादी नहीं करने जा रहा हूँ। इज देयर एनी अदर रीज़न, क्या और कोई कारण है, क्या और कोई यहाँ पे कारण है क्या, अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, यहाँ पे लिखा है अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, कि आदमी को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वह प्रशंसा करता है, कि एक आदमी को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वह प्रशंसा करता है। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस, व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस, कि जो भी हमारे पास है वो क्या है आज के समय में, अरेंज मैरिजेस हैं, मतलब एक अरेंज में होने वाली शादियाँ हैं। How can one admire a girl with milk stains on one side of her face? How can one admire a girl? किस तरह से कोई व्यक्ति जो है एक लड़की की प्रशंसा कर सकता है जिसके चेहरे के एक और जो है दूध के सफ़ेद धब्बे हैं। How can one admire a girl? यहाँ पर बताया गया कि a man should marry a girl he admires. कि आदमी को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वह प्रशंसा करता है। ओके, प्रशंसा जिसे, अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, कि आदमी को ऐसी लड़की से विवाह करना चाहिए जिसकी वह प्रशंसा करता है।
What we have now are arranged marriages. What we have now are arranged marriages. कि हमारे पास जो भी आज शादी के बारे में जो भी कुछ चीज़ें हैं वो अरेंज मैरिजेज हैं. अरेंज मैरिज है, लव मैरिज में अरेंज मैरिजेज हैं. हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस. कि किस तरह से कोई आदमी जो है एक लड़की की प्रशंसा कर सकता है जिसके गाल के एक और दूध के सफ़ेद धब्बे हैं, मतलब वाइट स्टेन्स हैं, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरे गाल पर क्या वेटनेस, दूसरे गाल पर गीला गीला है, गीलापन सा है, मतलब इसकी जो भी मैच्योर नहीं हुई है सपोज करें, जिसके जिस जिसने परिपक्वता अभी हासिल नहीं की, जो मैच्योर नहीं हुई, इसकी एज अभी इतनी नहीं उसकी शादी हो सके, तो उससे शादी करनी चाहिए क्या? और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स. और इतनी जवान हो लड़की, इतनी छोटी हो कि उसे इतना तक नहीं पता कि अपने हाथों की उंगलियों के जो नेल्स हैं, नाखून हैं, उसे कैसे काटा जाता है, उसे इतना तक नहीं पता सपोज करें, तो उससे शादी करनी चाहिए क्या? वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गार्ड. एक तरफ तो नीम का फ्रूट है, नीम का फल है, इसे नींबोरी बोलते हैं. द अदर अ बिटर गार्ड, दूसरा बिटर गार्ड हो, एक करेला हो, तो एक तो नींबोरी हुई, एक तो नीम की नींबोरी हो गई, नीम का फ्रूट हो गया, और दूसरा करेला हो गया, कोई मैच ही नहीं है. तो लड़की ऐसी जो परिपक्व हो, जिसे जिसकी प्रशंसा करता हो एक आदमी. एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग. एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा रंगा ने, कहा रंगा ने कहा लाफिंग, हंसते हुए कहा. I was distressed that the boy who I thought, I was distressed. मैं परेशान था, मैं काफ़ी चिंतित था. That the boy who I thought would make a good husband. I was distressed. मैं इस बात को लेकर चिंतित था. मैं चिंतित था that the boy who I thought कि वह लड़का जिसके बारे में मैंने विचार किया था would make a good husband. वह एक अच्छा हस्बैंड बनेगा. Had decided to remain a bachelor. उसने जो है अविवाहित रहने का निर्णय लिया है. कि मैंने सोचा था कि वह लड़का जो एक अच्छा पति बनेगा, अच्छा हस्बैंड बनेगा, उसने अविवाहित होने का निर्णय लिया. मतलब श्यामा जो है रंगा से बोल रहा है कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था कि तुम जो एक अच्छे हस्बैंड बनोगे, लेकिन तुमने तो बैचलर होने का, तुमने तो अविवाहित होने का, कुंवारा रहने का निर्णय लिया है. आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटल लॉन्गर, और कुछ समय तक चर्चा करने के बाद रंगा लेफ्ट लंगा वहाँ चला गया. कुछ समय तक बातें करने के बाद, विवाह की स्थिति के बारे में बातें करने के बाद काफ़ी डिस्कशन हुआ, उसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दे करके डिस्कशन होने के बाद रंगा लेफ्ट लंगा वहाँ चला गया. आई मेड अप माई माइंड राइट देन, उसके बाद मैंने अपना मन बना लिया. तो श्यामा नरेटर यहाँ बोलता है, उसके बाद मैंने अपना मन बना लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं इसकी शादी करवाऊँगा. भले इसका विचार अलग हो शादी के बारे में, विवाह के बारे में, लेकिन मैंने वहाँ पर निर्णय कर लिया कि मैं उसकी शादी करवाऊँगा. रमा राव नीस, रमा राव की एक भांजी थी. रमा राव की भांजी, अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11 जो बहुत सुंदर थी, 11 साल की थी. रमा राव की एक नीस थी, भांजी थी, अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11 जो लगभग 11 साल की थी, बहुत सुंदर थी. हैड कम टू स्टे विथ हिम, वह उसके साथ रहने के लिए आई थी. तो रमा राव की यहाँ पर, यहाँ श्यामा बता रहे हैं जो नरेटर इस कहानी के हैं, वो बता रहे हैं कि रमा राव की एक भांजी थी, एक भांजी भांजी है, अ प्रीटी गर्ल ऑफ 11 जो कि बहुत सुंदर है, 11 साल की सुंदर लड़की है. हैड कम टू स्टे विथ हिम, है उनके साथ, मतलब रमा राव के साथ रुकने के लिए आई हुई है. शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन, में बड़े कस्बे से है. जो रमा राव की भांजी है बड़े कस्बे से है. सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीना एंड द हारमोनियम. तो वह जानती है कि वीना हारमोनियम को कैसे प्ले किया जाता है, मतलब वीना और जो हारमोनियम है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन्हें कैसे प्ले किया जाता है, उन्हें कैसे बजाया जाता है, वो जानती है. शी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी मधुर आवाज़ भी है. जो रमा राव की जो भांजी है उसकी मधुर आवाज़ भी है, उसकी मधुर आवाज़ भी है. ओके, ऐसा पता है श्यामा को. तो श्यामा नरेटर यहाँ पर है जो रंगा की शादी के बारे में यहाँ पे संकल्प ले बैठा कि शादी करवाऊंगा इसकी. वह रमा राव की भांजी के बारे में जानता है जो कि बहुत ही सुंदर है, प्रीटी है, गर्ल ऑफ 11 11 साल की है, और वह उसके साथ, रमा राव के साथ उठने के लिए आई हुई है. उसकी भांजी बड़े कस्बे से, बिग टाउन से है, उसे वीणा और हारमोनियम बजाना आता है, और उसकी आवाज़ भी काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी स्वीट है, काफ़ी मधुर है. बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, और उसके माता पिता जो है उनका स्वर्गवास हो गया, उनका देहांत हो चुका है, जो चुका था. एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके अंकल जो हैं उसे लेकर आए थे, मामा जी घर पर लेकर आए थे. रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, और रंगा ही उसके लिए एकमात्र लड़का था. एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वह लड़की जो है, जो रमा राव की भांजी थी, वह उसके लिए मोस्ट सुटेबल ब्राइड थी. मतलब यहाँ पे एक्चुअली हमारी पॉइंट ऑफ व्यू चाइल्ड मैरिज है, लेकिन उस समय जो है चाइल्ड मैरिज काफ़ी प्रिवेल थी. सो रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा उसके लिए एकमात्र लड़का था. एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वह उसके लिए मोस्ट सुटेबल ब्राइड थी, बहुत एक उपयुक्त जो है दुल्हन थी. ओके, शी साई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू रमा राव प्लेस,
कि चूँकि मैं राव के घर पर जो है जाता रहता था, लगातार नियमित रूप से जाता रहता था, सिंस आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर, और फ्रिक्वेंट विजिटर का मतलब होता है लगातार जाना, लगातार वहाँ पर भ्रमण करना, लगातार घर भर में मिल के आना। सिंस आई वॉज अ फ्रिक्वेंट विजिटर टू रमा राव प्लेस, कि जैसा कि मैं रमा राव के घर पर जो लगातार वहाँ पर जाता रहता था, द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विथ मी, और जो लड़की थी मेरे साथ काफ़ी फ्री थी, जो उसकी भांजी थी वे मेरे साथ जो है काफ़ी फ्री थी। नरेटर बात कर रहे हैं श्यामा यहाँ से कि रमाराव के घर मेरा आना जाना लगा रहता था, फ्रिक्वेंटली मैं वहाँ पर जाता रहता था, लगातार मैं जाता रहता था, और जो लड़की थी मेरे साथ काफ़ी फ्री थी, मतलब मेरे से खुल के बात करती थी, मुझसे जो काफ़ी खुल के बात करती थी। आई कंप्लीटली फॉरगेट टू मैंशन हर नेम, मैं पूरी तरह से भूल गया इस बात को, उसका नाम बताना, मतलब उसका नाम बताना तो भूल ही गया मैं। लड़की मैं भांजी आपको बताया जा रहा हूँ, हमारा कि भांजी आपसे का जिक्र कर रहा हूँ, पर आई कम्प्लीटली फॉरगेट टू मैंशन हर नेम, उसका नाम बताना तो भूल ही गया। नाम है उसका रत्ना, इट वॉज नाम उसका रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह आई वेंट टू देयर हाउस, मैं उनके घर पे गया, मतलब मैं रत्ना के घर पे गया, रमाराव के घर पे गया। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई, जब श्यामा ने ठान लिया है कि मैं रंगा की शादी करवाऊंगा तो वो करवाएगा, ओके। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस, अगली सुबह मैं उनके घर पे गया, एंड टोल्ड रमा राव वाइफ, और रमा राव की वाइफ से कहा, अगली सुबह मैं रमा राव के घर पे गया और रमा राव की पत्नी से मैंने बोला, क्या बोला, आई सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, कि मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क भेजूंगा। मैंने कहा, रमा राव की धर्मपत्नी से कहा कि मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क भेजूंगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लस्सी बोलते हैं, लस्सी या छाछ बोलते हैं, जिसे हम, मैं आपके लिए बटर मिल्क भेजूंगा, आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना से कहना कि आके ले जाए। मतलब एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे खोज रहा है रंगा को रत्ना से मिलाने का, तो गया उसकी वाइफ से बोला, रमा राव के घर पे गया, उसकी पत्नी से बोला, क्या कहा, आई सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, कि मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क भेजूंगा, कि मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क भेजूंगा, कुछ लस्सी भेजूंगा, आस रत्ना टू बटर मिल्क, ओके लस्सी बोलते हैं, आस रत्ना टू फैच इट, रत्ना से बोलना कि फैच मतलब लेके आना, कि आके ले जाए, रत्ना से कहना कि आके ले जाए। रत्ना केम, रत्ना आई बटर मिल्क लेने के लिए, रत्ना आई, इट वॉज अ फ्राइडे, समय था शुक्रवार का, सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, उसने ग्रैंड साड़ी पहन रखी थी, उसने एक बहुत ही बड़ी नहीं यहाँ पे, उसने बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी। ग्रैंड का मतलब ऐसे काफ़ी विशाल होता है, पर हे वी हैव अ ब्यूटीफुल साड़ी, सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, और रत्ना ने बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहन रखी थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने कहा उसे अपने कमरे बैठने के लिए, मैंने रत्ना से कहा कि मेरे कमरे बैठ जाए, एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, और उसे रिक्वेस्ट किया गाना गाने के लिए, और उससे मैंने क्या कहा, रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी मैंने उसे, रिक्वेस्ट किया गाना गाने के लिए। आई सेंड फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुला लिया था, मतलब जब मैंने उसको बुलाया, रत्ना को लस्सी के बहाने, बटर मिल्क के बहाने बुलाया था, और मैंने कहा उससे, रिक्वेस्ट किया गाना गाने के लिए, तो मैंने रंगा को बुला लिया था। आई सेंड फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुला लिया था। व्हाइल शी वाज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माय आईज, व्हाइल शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, जब वह गाना गा रही थी कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई, और मेरी आंखों के सामने कौन था, रंगा रीज द डोर। जब वह गाना गा रही थी कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, और मेरी आंखों के सामने क्या हुआ, जब वह गाना गा रही थी कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मेरी आंखों के सामने क्या हुआ, रंगा रीज द डोर, रंगा जो है दरवाजे के पास आ गया, दरवाजे के बिल्कुल करीब आ गया, रंगा रीज द डोर दरवाजे पर पहुंच गया, वह कृष्ण मूर्ति नामक गाना गा रही थी, इन फ्रंट ऑफ माई आईज, मेरी आंखों के सामने जो है रंगा रीज द डोर, रंगा जो है मेरी आंखों के सामने दरवाजे पर पहुंच गया, वह गाना गा रही थी कृष्ण मूर्ति। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशहोल्ड, और वह दहलीज पर रुक गया, और थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है दहलीज, और वह दहलीज पर रुक गया था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू सिंगिंग टू स्टॉप, और वह नहीं चाहता था कि गाना रोका जाए, मतलब जहाँ से आवाज़ आ रही है, दहलीज पे था, थ्रेशहोल्ड पे था रंगा, और वह नहीं चाहता था कि गाना रुके, गाना चलता रहे, ओके, डिड नॉट वॉन्ट टू सिंगिंग टू स्टॉप, और वह नहीं चाहता था गाने को रोकना, बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन क्यूरियस था, काफ़ी उत्सुक था सिंगर को देखने के लिए कि आखिर सिंगर कौन है, गाना गा कौन रहा है। केयरफुली ही पीप्ड इन, और बड़ी सावधानी पूर्वक जो उसने अंदर झाँक के देखा, पीप का मतलब झाँकना। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और वह लाइट जो कमरे के अंदर आ रही थी वह ब्लॉक्ड हो गई थी, वह बंद हो गई थी, क्यों, रंगा दहलीज पे खड़ा हुआ था।
रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर, और रत्ना ने ऊपर देखा और वहां पाया, किसको पाया, स्ट्रेंजर को, अजनबी को पाया। एब्रप्टली स्टॉप, और बड़े आश्चर्यचकित होकर के, बड़ी भौचक्की होकर वह स्टॉप में रुक गई। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, सपोज यू बाय, यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन होगा एग्जाम्पल का, जस्ट टू जस्टिफाई बेसिकली द क्वालिटी ऑफ सिंगिंग देयर। ओके ओके, दैट वुड नॉट, दैट वॉज नॉट बेसिकली स्टॉप्ड बाय रंगा एट द टाइम। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, कि सपोज करें कि आप जो है अच्छी क्वालिटी का मैंगो आप खरीदते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया जा रहा है कि क्यों गाने को ना रोका जाए। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, कि सपोज करें आप अच्छी क्वालिटी का मैंगो खरीदते हैं, यू ईट इट स्लोली, आप उसे स्लोली स्लोली खाते हैं। आप एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे गुण वाला जो है आम खरीदते हैं, यू ईट इट स्लोली, आप इसे बड़े स्लोली खाते हैं, बड़े धीरे धीरे खाते हैं, सेवरिंग इट्स पील, सेवरिंग इट्स पील, और उसके पील का जो है, उसके उसके छिलके का जो है, उसका स्वाद लेते हैं। एक आम आप अच्छी क्वालिटी खरीदते हैं, उसे आप बड़े स्लो स्लो खाते हैं, और उसके पील का, उसके छिलके का जो है सेवरिंग स्वाद लेते हैं, मतलब स्वाद लिए खाते हैं। बिफोर, छिलके के साथ ही खाओगे ऑब्वियस है, बिफोर बीटिंग इट, बिफोर बीटिंग इन टू द जूस फ्लैश, मतलब उसके छिलके को जो है, उसके पील को आप सेवरिंग करके स्वाद लिए खा रहे हैं, खाते हैं। बिफोर बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लैश, इससे पहले कि जूसी फ्लैश में, उसके अंदर मैंगो के अंदर जूसी फ्लैश जो होता है, अंदर का जो पार्ट होता है, जो काफ़ी सॉफ्ट रहता है, उसे खाने से पहले, बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लैश, जूसी फ्लैश को बाइट करने से पहले, जूसी फ्लैश फ्लैश को खाने से पहले, आप जो है यू ईट इट स्लोली सेविंग इट्स पील, इसके पील को स्वाद ले लेके खाते हैं आप। ओके, यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आप उस आम का जो है, उस मैंगो का कोई भी हिस्सा जो है वेस्ट करना नहीं चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, इससे पहले आप दूसरा बाइट लें, मतलब दूसरा बाइट लेने से पहले जो कुछ एक्स्ट्रा आपको साइड में नजर आ रहा है, उसका आप आनंद लेके खाते हैं। द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, और जो फ्रूट है इसी तरह से आपके हाथ से स्लिप हो जाता है, गिर जाता है, एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, जमीन पे गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा जब आप एक अच्छी क्वालिटी का मैंगो खा रहे हैं, उसके पील का सेवरिंग स्वाद लेते हुए, उसके फ्लैश को बाइट करने से पहले ही, मान लो आपने उसे बाइट करना चाहा और वो स्लिप हो गया, ग्राउंड में गिर जाए, तो कैसा लगेगा? मुझे भी ऐसा लगा है, मतलब इस तरह से मैं गाने को सुन रहा था और रुक जाए, तो जैसा मुझे लगा वैसा, जैसा आम भी गिरने पर लगेगा, मैंगो भी गिरने पर लगेगा, ऐसा मुझे भी लगा। तो यहाँ लिखा हुआ हाउ डू यू फील, तो आपको कैसा लगेगा, आप कैसा महसूस करते हो। रंगा फेस शोर द सेम डिसअपॉइंटमेंट, रंगा के चेहरे पर वही डिसअपॉइंटमेंट दिखाई देगा, रंगा के चेहरे पर वही निराशा दिखाई दी। व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, जब सिंगिंग रुक गई थी, गाना रुक गया था, यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे बुलाया था। ही आस्क्ड एज ही केम इन, उसने पूछा जैसे वो अंदर आया, एंड सैट ऑन अ चेयर, और चेयर के ऊपर बैठ गया। उसने पूछा, श्यामा से पूछा कि आपने मुझे बुलाया था। ही आस्क्ड एज ही केम इन, उसने पूछा जब वो अंदर आया, एंड सैट ऑन अ चेयर, और कुर्सी के ऊपर बैठ गया था। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना जो है काफ़ी दूरी पे खड़ी हो गई थी, रत्ना दूरी पे खड़ी हो गई थी, मतलब अंदर आके चेयर पे बैठ गया, कुर्सी पे बैठ गया था रंगा। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना जो है डिस्टेंस से मतलब एक दूरी पर खड़ी हो गई थी। हर हैंड लोअर्ड, उसका जो सर है वो झुका हुआ था। रंगा रिपीटली ग्लैंस एट हर, रंगा रिपीटली, और रंगा जो है लगातार जो रत्ना को घूर रहा था, वो दूर बैठी थी, दूर फिलहाल, हर हैंड लोअर्ड है। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना दूर खड़ी थी, हर हैड लोअर, उसका सर झुका हुआ था, रंगा चेयर पर था। रंगा रिपीटली ग्लैंस एट हर, और रंगा जो है लगातार जो उसकी ओर घूर रहा था। ग्लैंस मींस घूरना। वंस आर आईज मैट, एक बार हमारी आंखें मिली, एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरस, और वह काफ़ी एम्बेरस दिखाई दिया, काफ़ी शर्मिंदा दिखाई दिया। नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, और कुछ समय के लिए, नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग वाइल, मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए जो है किसी ने कुछ नहीं बोला, फॉर अ लॉन्ग वाइल, काफ़ी लंबे समय तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप्ड द सिंगिंग, इट वॉज माई कमिंग, ये तो मेरा आना था, ये तो मेरा वहाँ पर आना था, दैट स्टॉप द सिंगिंग, जिसने गाने को रोक दिया था। लेट मी लीव, चलो मुझे जाने दो, चलो मुझे जाने दो, चलो मुझे जाने दो। वर्ड्स मेयर वर्ड्स, शब्द हैं केवल, शब्द ही तो हैं कि वर्ड्स हैं केवल, शब्द ही तो हैं। द फैलो सेड ही वुड लीव, कि फैलो ने कहा कि वह जाएगा, बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन वह वहाँ से गया नहीं। रंगा ने कहा कि वह वहाँ से जाएगा, लेट मी लीव, कहा कि लीव मी, जाना, लेट मी लीव, मुझे जाने दो। उसने कहा तो सही, केवल शब्द कहे, शब्द तो थे, लेकिन वहाँ से गया नहीं, बिकॉज ओके ही वुड लाइक टू टॉक टू द रत्ना, वह रत्ना से बात करना चाहता था। द फैलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, लेकिन वह वहाँ से हिला नहीं था।
How can one expect words to match action in these days of Kali Yuga? कलयुग के समय में कलयुग के दिनों में जो है किस प्रकार से कोई उम्मीद लगा सकता है कि शब्द जो है वर्ड्स वो एक्शन से वो कर्मों से मिल खाएंगे, कि आप बोलते कुछ और है क्या होता कुछ और है, कि हमारे वर्ड्स जो हैं हमारे एक्शन से हमारे कर्मों से मेल खाएंगे, ऐसा कहाँ होता है इस कलयुग के अंदर। सो हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुगा, कि कलयुग के दिनों में किस प्रकार से कोई जो है शब्दों की एक्शन से कर्मों से मेल खाने की उम्मीद कर सकता है, हम जो बोलते हो वैसा होता नहीं है। रत्ना रेन इनसाइड, रत्ना जो है अंदर चली गई दौड़ी दौड़ी, अवरकम बाय शाइनेस, वह जो है शर्म से जो है काफ़ी अवरकम हो गई थी, मतलब बहुत शर्मा गई थी। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद रंगा आस, रत्ना रंगा ने पूछा, वो इज़ दैट गर्ल, स्वामी की स्वामी वो लड़की कौन है? इज रियल नेम इज श्यामा, स्वामी बोल रहा है उसको, स्वामी स्वामी पुकार रहे हैं, इज रियल नेम इज श्यामा। ओके, नरेटर यहाँ पे जो श्यामा है उसका रियल नेम श्यामा ही है, लेकिन यहाँ पे स्वामी बोल रहा है रंगा उसे। ओके, आफ्टर अ वाइल रंगा आस, और कुछ समय बाद रंगा ने पूछा, वो इज दैट गर्ल, वो लड़की कौन है? स्वामी वो लड़की कौन है? वो इज दैट इनसाइड, अंदर कौन है वो? द लाइन वॉन्टेड टू नो, और शेर जो है जानना चाहता था, शेर जो है जानना चाहता था। जो लाइन यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है, लाइन नहीं लाइन है, द लाइन वॉन्टेड टू नो, और शेर जो है जानना चाहता था। दैट ही गॉट वो हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, दैट ही गॉट वो हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, और जो ही गॉड था मतलब जो बकरा होता है बेसिकली मेल गॉड है, जिसने मंदिर में शरण ली थी उसने जवाब दिया, डज इट मैटर वो आई एम, क्या इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि मैं यहाँ पर मैं कौन हूँ? आई एम अ पुअर एनिमल, मैं एक बेचारी से एक जानवर हूँ। वो हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लाइंस, जो पहले ही 9 शेरों को खा चुका है, मैं बिल्कुल एक इनोसेंस एनिमल हूँ, बिल्कुल ही पुअर एनिमल हूँ। वो हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लाइंस, जो पहले ही 9 लाइंस को खा चुका है। आई हैव मूव टू ईटन 1 मोर, आई हैव वॉक टू ईटन 1 मोर, और मैंने एक और जानवर को खाने की शपथ ले रखी है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ तुम मेल हो या फीमेल हो, मुझे बताओ कि तुम मेल। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है स्टोरीज का, बीच बीच में एक लाइन यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया जा रहा है कि किस तरह से उसके बाद जस्टिफाइड हो रही है। सो टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ तुम मेल हो या फीमेल हो। द लाइन फ्लेड द प्लेस इन फेयर, और उस ही गॉड की बात पर जिसने कहा कि मैं पहले से ही ईटन 9 लाइन्स, पहले 9 लाइन्स को खा चुका हूँ, 9 शेरों लाइन्स को खा चुका हूँ। आई हैव वॉक टू ईट 1 मोर, और मैं एक और जो है खाने की मैंने शपथ ले रखी है। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ तुम मेल और फीमेल हो, मतलब तुम जो लाइन यहाँ पर हो तुम मेल हो या फीमेल हो। द लाइन फ्लेड द प्लेस इन फेयर, और जो लाइन है डर के मारे जगह छोड़ के भाग जाता है। इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। लाइक द ही गॉड, उसी ही गॉड की तरह, जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ उस स्टोरी का, लाइक द ही गॉड, उसी ही गॉड की तरह। आई सेड, मैंने कहा, मैंने क्या बोला, वट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस वो शी इज, हम दोनों में से क्या फ़र्क पड़ता किसी को कि वो कौन है? तो लड़की अंदर गई है कमरे के अंदर, रत्ना नाम है उसका, और हम दोनों में से क्या फ़र्क पड़ता है वो एग्जैक्टली हम दोनों में से, वट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस, ईदर ऑफ अस, कि हम में से किसी को क्या फ़र्क पड़ता कि वो कौन है? I am already married and you are the marrying kind and you are aren't the marrying kind. तो लिखा like the he god, उस ही गॉड की तरह, उस ही गॉड की तरह। I said, मैंने कहा, what does it matter to either of us who she is, कि हम में से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि वो कौन है? What does it matter, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ने का मतलब है कि दोनों में से क्या फ़र्क पड़ता है किसी को? I am already married, कि मैं तो मैरिड हूँ भाई, ना तो मुझे फ़र्क पड़ता है कि अंदर कौन है, और ना तुम्हें फ़र्क पड़ता है क्या अंदर कौन है, क्योंकि मैं तो मैरिड हूँ, मेरी शादी हो गई है, मुझे उससे मतलब नहीं, मेरी शादी हो गई है। एंड यू आर एन द मैरिंग काइंड, और तुम मैरिंग काइंड नहीं हो, मतलब तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसकी शादी, तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिसकी शादी हो सके, बिकॉज यू हैव रिजॉल्व टू लीव अ बैचलर लाइफ, तो तुम्हें शादी करनी नहीं है, मेरी हो चुकी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अंदर कौन है? ठीक है, व्हाट डज इट मैटर, सो व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस वो शी इज, क्या फ़र्क पड़ता है हम दोनों में से किसी को भी कि वो है कौन, कि वो है कौन? ओके, मैं तो मैरिंग, मेरी तो मैरिड में शादी हो चुकी है, और तुम ऐसे आदमी हो, एंड यू आर इन द मैरिंग काइंड, और तुम जो है मैरिंग काइंड टाइप के, मतलब तुम्हारी शादी हो, तुम ऐसे नहीं हो। वेरी होपफुली ही आस्ट, बड़ी आशा के साथ उसने पूछा था, बड़ी उम्मीदों से पूछा था कि बताएंगे मुझे स्वामी श्यामा कि एग्जैक्टली वो है कौन। शी इज़न मैरिड देन, ना तो इसका मतलब उसकी शादी नहीं हुई है, तो इसका मतलब उसका विवाह नहीं हुआ है, जो लड़के अंदर गई है जो गाना गा रही थी उसकी शादी नहीं हुई है। His voice did not betray his excitement, but I knew it was there.
His voice, his Stanford, his voice, किसकी वॉइस यहाँ पर? रंगा की वॉइस है. His voice did not betray his excitement. उसकी जो वॉइस थी उसमें उसकी उत्तेजना, betray का मतलब ऐसे धोखा देना होता यहाँ पर दिखाई देना, उसकी आवाज़ में उसकी उत्तेजना नज़र नहीं आई थी. उसकी आवाज़ में, रंगा की आवाज़ में एक्साइटमेंट नहीं दिखाई दिया था, उत्तेजना नज़र नहीं आई थी. बट आई न्यू इट वॉज देयर, लेकिन मैं जानता था उसकी आवाज़ में उत्तेजना थी, लेकिन मैं जानता था उसकी आवाज़ में एक्साइटमेंट था. वो एक्साइटेड होकर पूछ रहा था कि वो लड़की कौन है. शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो. शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो. उसकी शादी हो गई थी एक साल पहले. अब यहाँ पे फेक न्यूज़ है, रियलिटी है. लेट्स हैव सस्पेंस. सस्पेंस को सस्पेंस रहने दो. शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो. उसकी शादी हो चुकी एक साल पहले. हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल. और ये बात सुन करके जब मैंने उससे कहा, उसकी शादी हो चुकी एक साल पहले. शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो. एक साल पहले उसकी शादी हो गई थी. हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल. उसका जो चेहरा है रोस्टेड ब्रिंजल की तरह, एक सिके हुए बैंगन की तरह जो सिकुड़ गया. जब मैंने कहा उसकी शादी एक साल पहले हो गई थी, जब मैंने उससे कहा शी वॉज मैरिड अ ईयर अगो, एक साल पहले उसकी शादी हुई थी. हिज फेस श्रिवल्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल. उसका चेहरा जो रोस्टेड ब्रिंजल की तरह, एक सिके हुए भुने हुए बैंगन की तरह जो श्रिवल सिकुड़ गया था. After a while, Ranga left saying. उस कुछ समय के बाद रंगा चला गया कहते हुए. क्या कहते हुए? I must go. मुझे अब ज़रूर जाना चाहिए. I have work at home. मुझे घर पे काम है. I went to our Shastri the next morning. अगली सुबह मैं, I stand for Shyama the Swami. Okay. I went to our Shastri. अगले दिन मैं शास्त्री के पास गया. क्या करने के लिए? To next morning. अगली सुबह. And told him. और उसे बताया. Keep everything ready to read the stars. कि हर चीज़ जो है तैयार रखना स्टार्स को पढ़ने के लिए. स्टार्स का मतलब नक्षत्रों को पढ़ने के लिए. अब बनाया कुंडली उसकी पूरी की पूरी तरीके से. अब वो उसने झूठ की बोला उस रत्ना के बारे में. वो तो बाद में मालूम चलेगा और बाद में बताएंगे आप सभी को. ओके. सो कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स. और शास्त्री से कहा अगले दिन. शास्त्री मतलब जो फिलहाल जो कुंडली उंडली बनाता उसे कहा. और कहा कि कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स. हर चीज़ तैयार रखना स्टार्स को पढ़ने के लिए, नक्षत्रों को पढ़ने के लिए. आई कम लेटर. मैं बाद में आऊँगा. आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से. और मैंने शास्त्री को वो हर चीज़ सिखा दिया था जो मैं उससे कहलाना चाहता था, जो मैं इसे कहलवाना चाहता था. आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट. मैंने शास्त्री को हर चीज़ जो है ट्यूटर का मतलब सिखा दिया था, लिखा पढ़ा दिया था दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, जो मैं उससे कहलवाना चाहता था. इज इट क्लियर? ऑब्वियसली रंगा में लेकर आएगा उसके पास कुछ ना कुछ वो ट्रिक यूज़ करेगा. शादी करवाने का रेजोल्यूशन तो ले चुका है श्याम अंदर स्वामी. ओके ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट टुडे. ओके, द नेक्स्ट वील हैव नेक्स्ट क्लास. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.